Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa alihi wa itratihi bi adada kulli ma'lumillak. Markaze Tasawwuf Astana Yakdas Sarkar Khoja Qutbuddin Baikhtar Kaki se Tasawwuf ka ye khadim aapki ilmana khidmat ke liye phir se aapki khidmat mein hazir hai. आज की हमारी बातचीत का उन्वान है सूरह फातिहा. सूरह फातिहा यानी अल्हम्दो की सूरत आम तौर पर कुरान के तर्तीब के एतबार से पहली और तीसवें पारे में आखिरी सूरह है, लेकिन इब्तिदा में ही इसको पढ़ाया जाता है. आज हम सूरह फातिहा के तर्जुमे पर और तसव्वुफ के पहलू से सूरह फातिहा की क्या अहमियत है इसके ऊपर बातचीत करेंगे. रिवायत के मुताबिक, हालांकि ये ग़ुलाम रिवायतों पर ना ख़ुद इतना यकीन करता है ना आपको यकीन करने को कहता है, जब ये साबित हो चुका है कि रावी भी झूठे रिवायतें भी झूठी, लेकिन चूंकि एक रस्म है इसलिए कहना पड़ता है. रिवायत के मुताबिक ये सूरह दो बार नाजिल हुई. अहम तो है और बहुत अहम है. सूरह फातिहा के अलावा सूरह फातिहा के और कई नाम हैं, सूरह कौसर, उम्मुल किताब, सात आयतों वाली सूरह और नामों से मशहूर है. अब हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसके ज़ाहिरी और बातनी मायने तसव्वुफ के एतबार से समझते हुए चलते हैं. दरअसल जब इस सूरह को उम्मुल किताब कहा जाता है तो उम्मुल किताब के मायने हुए किताब की माँ, किताब को पैदा करने वाली. जो सूरह फातिहा में है उसी को खोलकर पूरे कुरान में बयान किया गया है. सूरह फातिहा में सात आयतें हैं, कुरान की सात मंजिलें हैं. सूरह फातिहा में सात आयतें हैं, सात दिन हैं दुनिया में. सूरह फातिहा की सात आयतें हैं, सात आसमान हैं. सूरह फातिहा में सात आयतें हैं, सात ज़मीनें हैं. अहम, बहुत ज़्यादा अहम सूरह है सूरह फातिहा. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल अल्लाह रहमान रहीम. अगर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के अलग अलग टुकड़े किए जाएं, तो दो किस्म के अल्फाज बनते हैं, बिस्मिल अल्लाह रहमान रहीम. बिस्मिल के मायने तड़पती और मुतहरिक चीज़ को बोलते हैं, यानी जो एक जैसी ना रहे. कुल्ले यौमा होवा फी शान, वो हर लम्हा नई शान में है.
इस आयत से बिस्मिल को समझा जा सकता है। तड़पती हुई शय, हिलती हुई शय, हर वक्त हिलती हुई शय, उसे बिस्मिल कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह, वो जो रहमान भी है और रहीम भी। रहमान और रहीम सिफ्त के बारे में हम पहले बातचीत कर चुके हैं कि इसमें एक सिफ्त वो है कि जो हमने कुछ नहीं किया और उसके बदले भी हमको बारी ताला ने उस सिफात के ज़रिए आँख दी, कान दिए, और जो हमारे पूरा जिस्म दिया और जिससे हम फ़ायदा उठाते हैं वो सब चीज़ें दी, उसके लिए हमने बारी ताला को कुछ नहीं दिया। एक सिफ्त तो वो है, और एक सिफ्त वो है कि जो हम अमल करते हैं और उसका बदला मिलता है। कभी भी रहमान सिफ्त और रहीम सिफ्त को अगर एक माना जाए तो वो ना समझी कहलाएगी। बिस्मिल, अल्लाह, रहमान, रहीम, एक पहलू। दूसरा पहलू, बिस्म, अल्लाह, रहमान, रहीम, यहाँ पर बिस्म जो है वो बे अल्फाज पहला अल्फाज है जो ज़ाते बारी ताला की तरफ इशारा करता है, जो किसी भी चीज़ को शुरुआत करने का इशारा है। बिस्म, अगर हम खाना खाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर बिस्म खाने के लिए इस्तेमाल होगा। हम सवारी पे बैठते हैं और हम अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं तो सवारी करने के लिए इस्तेमाल होगा। हम दुनिया का कोई भी काम करते हैं तो उसमें लफ्ज़ बिस्म जो है वो शुरू करने से, उस काम के शुरू करने से जुड़ जाएगा। बे ज़ाते बारी ताला की तरफ इशारा है। अब दोबारा बिस्मिल, अल्लाह, रहमान, रहीम। सरकार जलालुद्दीन रूमी के मुताबिक लफ्ज़ बिस्मिल बिस्म या बिस्मिल नहीं है। ये ग़ुलाम आपके सामने अलग अलग पहलू पेश कर रहा है। सरकार जलालुद्दीन रूमी ने तसव्वुफ़ वालों को, अहले तसव्वुफ़ को, इल्मे बातिन में दिलचस्पी रखने वालों को समझाने के लिए फरमाया, बिस्म नहीं था, बा इस्म था, बे अलिफ सीन मीम। सरकार जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया मसनवी में कि लफ्ज़ बिस्म गलत है, बा इस्म है लफ्ज़, बा इस्म, बे अलिफ सीन मीम। लेकिन बे और सीन के मिलने को अलिफ बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए बे और सीन में बराबर समा गया। दोबारा सुन लीजिए, बास्म लफ्ज़ था सरकार जलालुद्दीन रूमी के मुताबिक, लेकिन बे और सीन के मिलने को जब अलिफ बर्दाश्त नहीं कर सका तो वो बे और सीन में बराबर हज़फ़ हो गया, बराबर समा गया। अब जब भी बे और सीन मिलते हैं तो अलिफ गायब हो जाता है। जैसे कैटेलिक एजेंट होता है ना, फिज़िक्स के स्टूडेंट समझ पाएंगे कि
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर उसमें जब करंट छोड़ा जाता है तो मिल के पानी बन जाता है, और जब अगर पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग किया जाए तो वो कैटेलिक एजेंट जो है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट समझ सकेंगे, खूब अच्छी तरीके से समझ सकेंगे कि वो गायब हो जाता है, वो नज़र नहीं आता जिसने उन दोनों को मिलाया था। बहरहाल अब भी बे और सीन जब मिलते हैं जुदा हैं तो अलिफ गायब है, जब बे और सीन मिलते हैं तो अलिफ जलवा नुमा होता है, बिस्म अल्लाह। एक एग्जिस्टेंशियल एनर्जी, एक कॉस्मिक एनर्जी, एक कुव्वत, एक ताकत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम्द, हम्द यानी तारीफ। यहाँ तारीफ तारुफ वाली तारीफ नहीं है, यानी तारीफ लफ्ज़ तो तारुफ से बना है लेकिन यहाँ तारीफ, क्योंकि तर्जुमा करने वालों के पास इससे अच्छा अल्फाज नहीं था इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लिल्लाह के मायने होते हैं तरफ से, सारी तारीफें अल्लाह ही की हैं या अल्लाह की तरफ से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शैइन लिल्लाह तरफ से है, सारी तारीफ अल्लाह की तरफ से हैं। अर रहमानिर रहीम, अब देखिए यहाँ भी जिस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहमान और रहीम सिफ्त अलग अलग बयान की गई थी, यहाँ भी अलग अलग बयान की गई है। रहमान अलग सिफ्त है, रहीम अलग सिफ्त है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रब पालने वाला, आलमीन तमाम आलमों का, गैलेक्सी का, अलग अलग ग्रहों का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान रहीम रब पालने वाला, और ऐसा पालने वाला कि जो ज़रूरत के हिसाब से आपकी ज़रूरत पूरी करे। रब के मायने पालने वाले के तो हैं लेकिन ऐसा पालने वाला कि जब हमल में आपको ग़िज़ा की ज़रूरत है तो एक नली के ज़रिए आपके पेट तक वो ग़िज़ा पहुँचे, आप पैदा हों तो उससे पहले आपके माँ के सीने में दूध पैदा कर दे, जब आप 2.5-3 साल के हों तो आपको चलना सिखाए, पालना सिखाए। यानी ज़िंदगी के हर मोड़ पर जैसी इंसान को, बशर को ज़रूरत है उस एतबार से पालने वाला। ऐसे पालने वाले तो माँ बाप भी होते हैं लेकिन माँ बाप और रब के दर्जे में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान रहीम, वो रहमान भी है रहीम भी, मालिक यौमिद्दीन मालिक है कयामत के दिन का। कयामत ज़ाहिरी मायने कयामत के हैं कि जिस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पूरी ज़मीन चटाई की तरह लपेट दी जाएगी, बड़े बड़े पहाड़ टुकड़ों की तरह हवा में उड़ेंगे। तसव्वुफ़ के मुताबिक, इल्मे बातिन के मुताबिक कयामत 3 किस्म की है। एक आँख का झपकना, सबसे छोटी कयामत। दूसरी कयामत इंसान की नींद, और तीसरी कयामत इंसान की मौत। जब मैं मर गया
तो फिर उसके बाद कयामत 10 साल बाद आएगी या 100 साल बाद आएगी, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे लिए तो कायनात ख़त्म हो गई ना। और कयामत की जो निशानियां बयान की गई हैं वही हालत इंसान की मौत के वक्त होती है। तसव्वुफ के पहलू से आलमी कयामत का कोई कंसेप्ट नहीं है, वो हो ना हो, हो जाए अच्छा है, ना हो कोई बात नहीं, मेरी तो कयामत हो गई। मौत हो अकबला मौत, सरकार दो आलम का फरमान है, मौत से पहले मर जाओ, हो चुकी कयामत। मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। इबादत लफ्ज का जितना मिसयूज हुआ है उतना मिसयूज मैं नहीं समझता कि किसी और लफ्ज का हुआ होगा। इबादत के मायने पूजने, तारीफ करने, प्रशंसा करने, हम्द करने के नहीं हैं। इबादत के मायने हैं, इबादत की डेफिनेशन है आबिद की माबूद को जान लेने, पहचान लेने की हर कोशिश और ज़रिए का नाम इबादत है। अगर कोई आदमी रिक्शा चला रहा है और इसलिए चला रहा है कि बारिये ताला की मार्फत हासिल हो जाए तो वो इबादत कर रहा है। ज़ाहिरी आलिम इसे नहीं मानेंगे, ज़ाहिरी आलिम अपनी दलीलें देंगे, लेकिन हकीकत यही है। मियाँ अगर कोई नाली साफ़ कर रहा है और इसलिए कर रहा है कि मुझे इस काम से अल्लाह ताला की पहचान हासिल हो जाए तो वो इबादत में शामिल है। और तुझसे ही मदद चाहते हैं। अच्छा, अब इस मदद चाहने का बहुत गलत इस्तेमाल हुआ इस लफ्ज का, मदद चाहने का। यहां मदद चाहने से मुराद ये है कि इरादा मैं करता हूं, सपोर्ट तू कर, लेकिन इंसान हर बेहतरीन चीज का बुरे से बुरा इस्तेमाल करने में माहिर है, इसलिए इंसान ने ये सोचा इसके मायने कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, ना हम इरादा करेंगे, ना हम खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, ना हम तेरे अहकामों पे चलेंगे, बस हम तो तेरी मदद मांगते रहेंगे, अल्लाह मदद फरमा, अल्लाह मदद फरमा, अल्लाह मदद फरमा। इस आयत की ये जो तशरी हुई है, इंटरप्रिटेशन हुआ किया गया है इसको, जैसे को खोल के बयान किया गया है, तो वो गलत है, गलत है वो इरादा इंसान का। क्योंकि तसव्वुफ के मुताबिक अल्लाह की कुदरत इंसान के इरादों के साथ होती है। सरकारे दो आलम की फरमान से भी ये साबित है, इरादा इंसान का, लेकिन मदद उस इरादे को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने के लिए जो मदद चाहिए वो बारी ताला की तरफ से। इय्याका नअबदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये आयत बहुत कीमती है, मरकज़े तसव्वुफ़ में इस आयत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, नुस्खे के तौर पे भी वैसे भी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तर्जुमा करने वाले लोगों ने अलग अलग लिखा है, कुछ ने लिखा है या रब्बुल आलमीन हमें सीधा रास्ता दिखा, कुछ ने लिखा है हमें सीधा रास्ता बता, कुछ ने लिखा है हमें सीधा रास्ता चला। बहरहाल बता, दिखा, चला, इसीलिए तसव्वुफ का खादिम बार बार कहता है कि
ترجمہ کرنے والے حضرات نے اپنی سمجھ قرآن پر پروجیکٹ کری، تھوپی، اہدنا صراط المستقیم۔ صراط المستقیم کی بات چیت پہلے ہو چکی ہے، سب سے چھوٹا اور سیدھا راستہ، صحیح راستہ، اہدنا صراط المستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس راستے پر چلنے والوں پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو تیرے عذاب کے، جو تیرے قہر کے شکار بنے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا کہ جو لوگ، جس راستے پہ چل کر جن لوگوں پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کیں، اور وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کن لوگوں پر باری تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نازل کریں۔ سرکار دو عالم سے لے کے اس زمانے تک آپ کے سامنے ہیں، آپ خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اس تصوف کے خادم کا اشارہ کہ کون ہیں وہ لوگ جن کے اوپر باری تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نازل کریں اور ہمیں ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ اور یقین مانیے وہ اہل تصوف ہی رہے، علم باطن سے تعلق رکھنے والے ہی رہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو تیری نافرمانی کر کے غلط راہ پہ چلے اور عذاب کے مستحق بنے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آج ہم نے سورہ فاتحہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ بات چیت کری۔ آقا پیر و مرشد کے مطابق سورہ فاتحہ کی اہمیت ہے، اور اگر صبح ہی صبح خالی پیٹ اسے وظیفے کے طور پر پڑھا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے معنی دہرائے جائیں تو زندگی میں بہتری لانے کے لیے یہ ایک مناسب، مستفید، فائدہ دینے والا نسخہ ہے۔ آپ چاہیں تو آزما سکتے ہیں، دل کو حاضر رکھ کر سورہ فاتحہ صبح خالی پیٹ معنوں کے ساتھ، انشاءاللہ زندگی میں بہتری آئے گی، ضرور آئے گی۔ آپ نے تصوف کے اس خادم کی آج کی گفتگو کو جس توجہ سے سنا، اس توجہ کے لیے تصوف کا خادم آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، بہت بہت شکریہ۔ ہم آگے بات چیت کرتے رہیں گے، شکریہ۔